हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपको आज अपने सेकंड ब्लॉग की तरफ ले चलते हैं, ट्री हाउस की तरफ। आपको दिखाने जा रहे हैं पांडे जी ने वहाँ ट्री हाउस कितना सुंदर, भव्य और दिव्य बना रखा है। आज उसका आपको पूरा सच, उसके कमरे किस तरीके से बने हैं, उसमें शौचालय की क्या व्यवस्था है, और पहाड़ों के बीच में किस तरीके से पेड़ों के बीच में इन्होंने वहाँ पर इसको ट्री हाउस को बनाने का काम किया। यह अपने आप में एक कल्पनीय है, सोचनीय है कि बहुत सुंदर। मेरे को बिल्कुल, मैं अचंभित हो गया बिल्कुल। जो चीड़ के लंबे लंबे वृक्ष है और वो कमरे के अंदर हैं, और उसके बाहर से फैसला ट्री हाउस बना हुआ है, अपने आप में बहुत एक भव्य और दिव्य बना रखा। आइए आपको ले चलते हैं ट्री हाउस के अंदर। वो बंद कर दो तो ये वाला। अभी चलिए, आइए दोस्तों, पांडे जी हैं आगे से, और चलते हैं कमरों में, चलते हैं अंदर। और इस तरीके से देखिए, और यहाँ के भी एक कायदे कानून है, और जो भी यहाँ पर मेहमान गेस्ट जो भी यहाँ आए, कृपया वो कमरों में प्रवेश करने से पहले यहाँ के नॉर्म्स और ये तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए और आए, और उसका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं, ये बरामदा है, ये देखो बांस का बना है, कितना सुंदर बना है। देखो बांस अपने आप में, ये बांस बहुत दूर से आया है, इसमें बहुत ज़्यादा कीमत इन्होंने लगा रखी है, और अपने आप में एक बहुत सुंदर लग रहा है। देखो बांस, इतना बांस मिल नहीं सकता है, सब बाहर से पांडे जी ने खरीद के और ये खड़ा किया है। तो आइए ले चलते हैं, ये रूम है, देखो पूरा बांस का है, ये छत भी पूरी बांस की है। आप दिखाने का प्रयास करेंगे इस ब्लॉग में, इस वीडियो में। ये सुंदर देखिए, ये रूम है, और यहाँ पर ये बैठने का चेयर है, अपना लकड़ी के चेयर हैं, टेबल है लकड़ी के। ये अपने ये हो गया ट्री हाउस का बेड हो गया। और आइए आप, ये बाथरूम, आपको यहाँ टॉयलेट कम बाथरूम पूरा कंबाइंड मिल जाएंगे। इंग्लिश सीट लगी हुई है इसमें पूरा, देखिए आप ये ट्री हाउस के अंदर। ये अपने आप में एक सुंदर, बहुत सुंदर चीज़ इन्होंने, नेचुरल चीज़ यहाँ पर बना रखी है। और ये फर्स्ट रूम हो गया, आ जाओ अब सेकंड रूम आपको दिखाएंगे। ये है दूसरा रूम, ये पेड़, ये देखिए आप, ये हाउस है, ये पेड़ है, देखिए ये पेड़ है, और इसके ये पेड़ सीधे अंदर खड़ा है, लेकिन इसके बाहर से ये इन्होंने ट्री हाउस बना रखा है, इसको जोड़ के देखिए बांस से। और ये पूरा, ये भी बांस ही है ना पांडे जी? हाँ, ये चटाई है सब, ये बांस की चटाई है। देखो ये कितने दूर से इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्य किया है, ये देख सकते हैं आप। इसमें ये चेयर है, ये स्टूल है बैठने के, और ये अब ये लकड़ी के स्टूल है, ये टेबल हो गया, आप यहाँ चाय पानी बैठ के और पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नज़ारा, ऐसा भव्य और दिव्य, आपको ये पांडे जी के प्रयासों से, जो इनके अथक मेहनत और जो इनकी एक सोच थी, उस सोच के बदौलत आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो आप लोग ज़रूर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जितने भी भाई बंद हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप ज़रूर एक बार यहाँ पर आएं। और यहाँ ये नेचुरल ट्रिम है कि यहाँ इंजॉय करें, और बच्चों के साथ आएँ और हिमालय दर्शन करें। बहुत सुंदर, यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के आप चाय की चुस्की के साथ हिमालय के दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा भव्य और दिव्य, और यहाँ का नज़ारा। और ये आपको अब ले चलेंगे, आगे कवर करेंगे हम ये बरामदा, बरामदे से आपको दिखाएंगे यहाँ का बाहर का जो है दृश्य दिखाएंगे। देखिए आप, ये फॉरेस्ट पूरा जंगल है, इनका अपना जंगल है, ये गवर्नमेंट जंगल नहीं है, ये इनका अपना जंगल है। और कितना यहाँ से देखो प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है, जो हमको ज़रूरत होती है वो हमारे पास होते हुए भी हम लोग उसको छू नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी भूल है, और हमको इसको पकड़ना होगा, चौरसू बंगला में आना होगा और देखना होगा यहाँ का ट्री हाउस। मैं आपको एक बार जरूर जरूर यहाँ पर आए और ट्री हाउस का आनंद लें। ये हेट है, ये भी बैठने का बना रखा है, जो भी गेस्ट रूम लोग आए वो इस प्राकृतिक के नज़ारे को यहाँ से देखते हुए चाय की चुस्की के साथ, पूरे ये जो पेड़ हैं, हरे भरे जंगल हैं, पूरे पहाड़ की वादियाँ हैं, इन वादियों को इन चाय की चुस्की से देख सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। ये देख लें, ये टोटल इन्होंने कम्बाइंड टॉयलेट बाथरूम और ये वो दो रूम्स के लिए अलग ये बना रखा है। तो सब
जो भी यहाँ अपने टूरिस्ट लोग आते हैं, जो भी अपने फाई लोग, जो भी बाहर से लोग यहाँ आते हैं, तो उनके लिए यहाँ रहने, ठहरने, खाने, पहाड़ी व्यंजन सबसे बड़ी बात है। जो व्यक्ति यहाँ आएगा उसको पहाड़ी व्यंजन मिलेगा और बहुत बढ़िया यहाँ का भट की चुरकानी से लेकर, गहत की दाल से लेकर, अपना शिशुण के साग से लेकर, तमाम शिशुण की चाय, गडरी की सब्जी, मूली की सब्जी से लेकर तमाम जो पहाड़ी व्यंजन है उनको यहाँ इस ट्री हाउस में खाने को मिलेगा और उसका आनंद उठाएंगे। शरीर स्वस्थ होगा, जीवन स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो आइए आपको ले चलेंगे आगे। अभी ये हैंड वॉश भी दिखा दे। यहाँ पर है जो वेस्टेज लकड़ी थी उसका हैंड वॉश वहाँ पर हैंड वॉश हुआ, वॉश बेसन लगा रखा है। जो लकड़ी बर्बाद होती है उसका भी यूज़ कर रखा है और वो हैंड वॉश वहाँ पर उन्होंने लगा रखा है। चलिए पूरा ले लो। चलिए ये और हमारे पहाड़ों में अक्सर नीम बहुत कम होता है। हाँ बहुत अच्छा, ये हमने नीम लगा रखी है और यहाँ से हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऐसे पौधे लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा, चलो पहले वहीं चल लेते हैं फिर बताएंगे हैं। ये पत्थर है दोस्तों, 10 फीट का पत्थर है, ये पांडे जी ने उठा रखा, मैं तो उठाता नहीं भाई, मेरे को डर लगता है। इन्हीं पत्थरों से होम स्टे बना रखे, ये इन्हीं पत्थरों से होम स्टे बनाए, इतने लंबे 10 फीट के पत्थर हैं ये। और ये देख लो आप कितना है, 6 इंच 8 इंच चौड़ा है ये पत्थर और इसकी मोटाई होगी 3-4 इंच के आसपास मोटाई है और लंबा 10 फीट है। 10 फीट ये इस टाइप के पत्थर यहाँ पर मिलते हैं, इन्हीं से होम स्टे बना है यहाँ पर। ले चलते हैं आपको हिम नेचुरल, और हिम नेचुरल में काम चल रहा है यहाँ, और ये यहाँ पैकिंग का काम चल रहा है जोर शोर में। आपको दिखाएंगे आप ये चाय। पांडे जी आपसे जानकारी लूँगा, हिम नेचुरल में ये क्या क्या चीज़ें आप बनाते हो यहाँ पर? सर हमारे पास सबसे पहले है कि हम जो भी जड़ी बूटियाँ हमारे यहाँ पर आ रही हैं, और हमारा जो लक्ष्य है कि हम जैविक जो ऑर्गेनिक फॉर्म फार्मिंग करके जी जी। और हम उस क्योंकि हम मोस्टली होता क्या है कि पहाड़ों के जितने भी किसान हैं वो माल मटेरियल बाहर को जा रहा है, तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमारे जितने किसान बंधु हैं अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे जितने भी जैविक चीज़ें हमारे उगा रहे हैं जो लोग, मेरा हाथ जोड़ से उनकी विनती है कि अब वो समय आ चुका है। मोदी जी ने भी कह दिया है कि हम लोकल फॉर लोकल पे जो काम चल रहा है हम अपना चीज़ का प्रोडक्शन करके यहाँ पर उत्पादन के साथ साथ में प्रोडक्शन हाउस में माल रेडी करके आउटलेट में तैयार करके बाजार में देने का काम हमारा ये चालू है। जैसे आपको मैंने दिखा टू इन वन मशीन यहाँ पर है, इसमें हम गिलोय से कूटा है, हल्दी कूटते हैं, सारा हम इसमें काम करते हैं। अच्छा, इसी के साथ इसमें मिक्सिंग का जो काम होता है, इसमें मिक्स हम अपने भी प्रोडक्ट होते हैं सारे मिक्स इसमें करते हैं। अच्छा, इसमें मिक्सिंग का हो गया। इसके बाद जो भी हमारे रॉ मटेरियल स्टॉक ऊपर रखते हैं इसमें। अच्छा हाँ, और उसके बाद जैसे हमारा माल रेडी हो चुका है जी, तो ये हमारे ये अभी चाय जैसे तुलसी ग्रीन है ना, ये अभी ये पूरा तुलसी ग्रीन ही चल रहा है। अच्छा, ये बूस्टर है, जैसे हमें बाजार से ऑर्डर आते हैं और बाजार के ऑर्डर के अगेंस्ट हमें उस तरह से हम लोग ये तुलसी टी बूस्टर हो, चाहे तुलसी ग्रीन टी हो, तुलसी लेमन टी हो जी, या नेटल टी हो, हम हर तरह को अपना पैकिंग करके इस आगे का काम होता है। जैसे सर आप देखेंगे ये है इम्यूनिटी बूस्टर। अच्छा, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। अच्छा, ये पैक कर दिया हमने, इसमें डेट वगैरह सारी लग गई, इसमें जी सब जी, लग गया। जी, आज की डेट में पैक कितने का है पैकेट है ये? कितने मात्र 40 रुपए का सर। कितने ग्राम का है ये? 50 ग्राम का है और इसमें 100 ग्लास चाय बन जाएगी आपकी। ठीक, 100 ग्लास चाय बनेगी, यानी कि 50 में से एक ग्लास चाय बन जाएगी आपकी। जी, दूध आपको डालना